ओके तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो सपोज ये है इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यानी कि एक सिलेंडर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दूसरा कोएक्सियल सिलेंडर ये उसका पोर्शन बताया है अभी मैंने, और ये दोनों भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं इसका। ओके सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स। लेट अस से इसका रेडियस है ए और इसका रेडियस है बी। हमने यहां पर चार्ज दिया प्लस क्यू, ये हमने चार्ज दे दिया, दिस इज द चार्ज। और ये पॉजिटिव ने यहां क्या इंड्यूस किया, नेगेटिव। ओके सो यहां पर लेट अस से हमने चार्ज दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो यहां पर भी चार्ज कितना आ गया इस नेगेटिव इस वाले सरफेस पर, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ओके और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमें बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है तो चार्ज, तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यहाँ लैम्डा फिक्स है अपॉन वी वन माइनस वी टू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का। दिस इज अवर इक्वेशन वन, जो वैल्यू आएंगी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, या फिर ऑलरेडी हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं इसलिए यहां माइनस साइन नहीं लिखते हैं, ई इंटू डी आर। ओके और ये यहां से यहां वैल्यू हो रहा है। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर अगर मैं किसी भी r डिस्टेंस के पॉइंट पर फील्ड पता करूं तो ऑब्वियसली बाय गॉस थ्योरम, अगर हम गॉसियन सरफेस बनाकर देखते हैं, मतलब जो डेरिवेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है वो वाला, तो सिर्फ इसके वजह से यहां फील्ड है, इसकी फील्ड नहीं है। ओके बिकॉज गॉस थ्योरम में सिर्फ यही चार्ज काउंट होगा जो एनक्लोज्ड है, ये नहीं होता है। तो वो कितना होता है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आर डी आर, जहां पर आर वैरी हो रहा है ए से लेकर तो बी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर। तो लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट और के, के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम जो इनके बीच में रखा हुआ है, एयर रहता था तो वन ले लेते थे, इंटीग्रेशन वन अपॉन आर डी आर। सो वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट के, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियसली वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा लॉन एक्स, और लिमिट वैरी हो रही है ए से लेकर बी तक। सो वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉन आप भी कर सकते हैं, लॉन ऑफ पी बाय आता है। ओके दैट इज सिंपल एंड आई विल सब्स्टिट्यूट हियर। सो देयरफॉर द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस लैम्बडा इंटू लॉन बी बाय ए डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट के, lambda lambda get cancel, so capacitance per unit length will be equal to 2 pi epsilon naught k divided by ln of b by a, and this is the formula for the capacity of cylindrical capacitor. Okay, thank you.